ममिता हत्याकांड घटनारे प्रथम थर पाई मुह खोली मंत्री दिव्यशंकर। ममिता हत्याकांड प्रसंगे दिव्यशंकर नारे विरोधी बारंबार अभियोग आणुवा बेले आज प्रथम थर पाई बिबृति रखिछंति मंत्री। ममिता मृत्यु पाई दुख प्रकाश करने सहित निज विरोध में आसीथिबा अभियोग को खंडन करिछंति मंत्री दिव्यशंकर। एभलिकि दोषी को कठोर दंड दिया आवश्यक बोली कहिछंति मंत्री। या छड़ा दिव्यशंकर किसी निर्दिष्ट गणमाध्यम न्यूज प्रसारण को नहीं प्रश्न उठाई मिथ्या आधार में किसी गणमाध्यम मत बदनाम करने सहित तो मोर चरित्र संहार करने जो अभियान आरंभ करते मो पर आघात मिथ्या मनगढ़ा कहानी और भीतिहीन अभियोग आनी चरित्र संहार कर मानसिक निर्यातना दे कोर्टे निर्दिष्ट तीनोटी गणमाध्यम नाँ मानहानी मकदमा रुजु कर मंत्री। गणमाध्यम लगातार मोर नीरवता को नहीं प्रश्न करुछंती किंतु एभली एक जघन्य अपराध रे मंतव्य देवाठारु मु दूरे रहुथिलि जहाद्वारा तदंतकारी संस्था निजर तदंत को निरपेक्ष भावे आगकु नेबे किंतु मो विरोध रे निर्दिष्ट गणमाध्यम रे जो मिथ्या मनगढ़ा कहानी परिवेषण करागला ताहाकु दृष्टि रखि मुह खोलिबार आवश्यकता थिबा अनुभव कलि बोली कहिछंती मंत्री दिव्यशंकर। मते बदनाम करने अभियान में सामिल हो किसी निर्दिष्ट गणमाध्यम ओडिशा रे खराब परंपरा सृष्टि करिछंती। एभली जघन्य अपराध रे राजनैतिक लाभ पाई गणमाध्यम किसी गोष्ठी ए अभियान आरंभ करिछंती। या छड़ा जदि विरोधी दल पाखरे कोनोसी प्रमाण अच्छी तेबे एहाकु पुलिस किंबा कोर्टे दियंतु जदि प्रमाण मिलिला तेबे केवल मंत्री पदर नुहे बरम साधारण जीवन रु सन्यास नेजिबे। राजनैतिक एजेंडा पाई गणमाध्यम को व्यवहार न करबाकु अनुरोध करिछंती मंत्री। मो मां माणिकेश्वरी नाँ से शपथ करुछी एही अपराध सहित मोर कौन संपर्क नहीं बोली उल्लेख करिछंती मंत्री दिव्यशंकर। ब्यूरो रिपोर्ट, सनस्टार टीवी।